नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों, अन्नदाताओं, सभी किसान भाइयों को राम राम। आज 1 नवंबर 2023 दिन, आज बुधवार, आज इस महीने का आज पहला दिन है। आज 1 नवंबर है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में प्याज का क्या माहौल है, कितनी क्या गाड़ियों की आवक है, प्याज में कैसी क्या कितनी क्या उछाल देखने को मिल पा रही है, और आजादपुर मंडी के साथ साथ पूरी दिल्ली में मार्केट में प्याज किस रेट में बिक रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्याज की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट रेट हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि कितनी क्या दिल्ली के आजादपुर मंडी में गाड़ियां रखी हैं और कितनी क्या प्याज में उछाल देखने को मिल पा रही है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, प्याज को लेकर के बहुत ही बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, अगर हम आज गाड़ियों की आवक की बात करें तो जो आवक है वो लगभग 90 से लेकर 95 गाड़ियों का दिल्ली के आजादपुर मंडी में रेट पर उछाल देखने को मिलती है। किसान भाई, अब मैं आपको बता दूं कि प्याज कितने रुपए किलो है, कितने रुपए क्विंटल है। अगर हम किलो के हिसाब से बात करें तो 45 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो जो फर्स्ट क्वालिटी का लालिमादार प्याज है। अगर हम मध्यम मीडियम प्याज की बात करें तो वो भी लगभग 35-38 रुपए से लेकर 42 रुपए किलो प्याज चल रहा है। अगर हम छोटा मोटा छटा मिक्स की बात करें तो वो भी लगभग 30 रुपए से लेकर 35 रुपए किलो चल रहा है। प्याज का भाव बढ़ चुका है। अगर आपके पास प्याज स्टॉक लगा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके मंडी में लाते रहे, ताकि आपको अच्छी रेट मिल सके और आपको फायदा हो सके। प्याज फिलहाल काफी अच्छी रेट में चल रहा है, और आपको अगर फायदा चाहते हैं तो आप प्याज थोड़ा थोड़ा करके